वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक स्किन वाइटनिंग की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठंडियां जब आती है ना, तो कई लोगों की स्किन होती है काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती है, काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन बहुत लोगों की स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो डल होने लगती है। जैसे जब सर्दियां आती है ना, तो मेरी स्किन जो होती है वो और ब्राइट हो जाती है। यानी जो मेरा नेचुरल कलर है ना, वो आपको सर्दियों में देखने को मिलेगा, पर गर्मियों में मेरी स्किन थोड़ी डल हो जाती है। तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरी काफी फ्रेंड है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही सर्दियां आती है, उनकी स्किन जो होती है ना, वो डल हो जाती है। तो आज ये रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसको वीक में लगाना है 2 बार, और फिर देखिएगा जो आपकी स्किन का कलर है ना, वो कभी रूखा भी नहीं होगा, कभी डल भी नहीं होगा, और आपकी स्किन व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी, या जो भी कलर है आपका नेचुरल कलर रहेगा, आपकी स्किन और व्हाइट होती जाएगी। अगर हम सर्दियों में अपनी स्किन की केयर अच्छे से करते हैं, अच्छा सा एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो हमारी स्किन जो है वो साल भर यानी 1 साल तक के अच्छी बनी रहती है। सर्दियों में ही हमारी स्किन ज्यादा खराब होती है, इसीलिए ज्यादा केयर की जरूरत होती है सर्दियों में। ड्राइनेस की समस्या आ जाती है, जब स्किन ड्राई होती है तो उसमें मुहासे की समस्या हो जाती है, झुर्रियों की समस्या हो जाती है, झाइयों की समस्या हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान आपको ये रेमेडी देगी। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको लगाना कैसे है। दोस्तों, अब मैं आपको ये पैक बनाना दिखाती हूँ। आप इससे अपने पूरे शरीर को भी गोरा कर सकते हो, मुलायम कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ हमें मिल्क लेना है। आप यहाँ कच्चा दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, या मलाई ले सकते हो। तो मेरे पास मलाई थी। मलाई आप लो तो फ्रेश लो, फ्रिज में रखी हुई ना लो, मतलब 1 दिन की हो सकती है, लेकिन इससे पुरानी मलाई ना लो। इसके बाद आपको ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन सर्दियों में हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, हमारे चेहरे के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ग्लिसरीन मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और इसमें हमें लगभग आधा चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर देना है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हो, यानी आप अपने हाथ पैर में फुल बॉडी में लगाना चाहते हो, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाना। मैं फेस पे और अपने हाथ पे लगाऊंगी, इसीलिए इतनी क्वांटिटी रखी है। इसमें अब मैं बेसन डालूंगी। आपको बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, आपको बेसन लगभग आधा चम्मच से छोटा 1 चम्मच डालना है, जितना मैं डाली हूँ। और ये जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ, ये आपका है हाथ में, दोनों हाथ में, और आपकी गर्दन पे और चेहरे के लिए काफ़ी है। इसको आपको जैसे बनाना है वैसे ही लगा लेना है, इसको आपको रखना नहीं है, और इसमें किसी भी चीज़ का आपको यूज नहीं करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही करना है। वीक में 2 से 3 बार आपको इसका यूज करना है। सभी तरह की स्किन वाले इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाना चाहिए, थोड़े से भी इसमें लम या गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप इसको नाइट में या मॉर्निंग में लगा सकते हो। सबसे अच्छा रहेगा जब आप नहाते हो, उस समय लगा लेना। ये आपकी फुल बॉडी को, फुल चेहरे को गोरा करेगा। तो चलिए मैं लगाना बता देती हूँ आपको। जैसे मैं लगाई हूँ, इस तरह लगाना है आपको। असल में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, तो मैं फिर से आपको करके दिखा दे रही हूँ। तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अपने फेस पे लेनी है, और इसको पूरे फेस पे आपको लगा लेना है, ठीक है। इसको लगाने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो फेस है वो क्लीन रहे, उस पर किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट ना लगे रहे। और सबसे और एक बड़ी बात है, इसको आप डे में, नाइट में किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डे में लगा रहे हो, तो आपको ये कोशिश करनी है कि इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक के आपको धूप में नहीं जाना है, उसके बाद आप जा सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरे फेस पे लगा लेना, और इससे अच्छे से मसाज करनी है आपको। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो ये मसाज आपको ओनली 3 मिनट करना है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो 3 से 4 मिनट कर सकते हो, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको 5 से 6 मिनट तक के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी ड्राई स्किन है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मिनट तक के ये मसाज करना है, ठीक है। इस तरह से मेरी काफी ड्राई स्किन है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जब तक इसमें मलाई और ग्लिसरीन रहे तब तक आपको मसाज करना है, ठीक है। मसाज करना है आपको, इसको फेस पैक के जैसे नहीं रखना है। सर्दियों में हमें कोई जरूरत नहीं होती है फेस पैक की। हाँ, अगर आपके पास ग्लिसरीन फेस पैक है, सीरम फेस पैक है, तो आप लगा सकते हो। बट इसमें पड़ा है बेसन, और बेसन हमारी स्किन को थोड़ा ड्राई कर देता है, इसी वजह से।
ऑयली स्किन वाले के लिए तो काफी सही है, बट ड्राई स्किन वाले इसको केवल 3 मिनट तक के करेंगे, ठीक है। 3 मिनट में ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए बेसन इस तरह से निकलने लगा है और जितने ऑयल की जरूरत है हमारे चेहरे पे वो लगने लगा है, ये देख रहे हो। ये पूरी गंदगी चेहरे की निकल जाएगी। हमें लगता है हमारा चेहरा साफ है, फिर भी जब हम ये सारी चीजें लगाते हैं ना तो हमको समझ में आ जाता है। अगर आपको इसमें पड़ने वाली किसी भी चीज से कोई एलर्जी है तो प्लीज इसका यूज ना करना। और अगर ये रेमेडी ऐसा कुछ आप पहली बार यूज करें अपने चेहरे पे तो एक पैच टेस्ट करके देख लेना, अगर इचिंग जलन खुजली हो रही है तो इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा, ठीक है। कितना ज्यादा स्किन फाइन करने लगी ना, आप देख रहे हो ना। बस आपको फिर नॉर्मल चेहरा आपको ना वॉश कर लेना है। अभी आपको साबुन नहीं यूज करना है, सोप यूज नहीं करना है। इसको लगाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको कोई सोप या साबुन यूज करना है, वैसे भी जरूरत महसूस नहीं होगी। तो ये बस हो गया, अब मैं चेहरा क्लीन करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितना साफ लग रहा है ना। ये देख रहे हो ये बेसन किस तरह से निकल रहा है, चेहरे की जो गंदगी है, जो मैल है, जो अंदर से जो मैल निकल रही है वो किस तरह से निकल रही है। हाथ ना काला हो गया चेहरा बहुत साइन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, बट कोई भी सोप अभी यूज नहीं किया है। मैं 1 से 1.5 घंटे बाद अपने चेहरे पे सोप यूज करूंगी। अगर आप इसको रात में लगा रहे हो तो चेहरे को केवल पानी से धो लीजिए और मॉर्निंग में फेस वॉश यूज करिए। बट डे का टाइम है तो मैं थोड़ी देर बाद यानी 1-2 घंटे बाद जाके कोई अच्छा सा फेस वॉश अपने चेहरे पे यूज कर लूंगी और फिर नॉर्मल रूटीन, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी फेबुलस हो जाएगी, इतनी ग्लोइंग हो जाएगी और इतनी मुलायम हो जाएगी, जो आपकी स्किन पे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, स्किन ब्राइट होती जाएगी, व्हाइट होती जाएगी। ट्राई करके देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी स्किन सेंसिटिव भी है इसलिए जब भी मैं बेसन यूज करती तो हल्की सी जलन होती है मेरे चेहरे पे। तो जब ऐसा अगर आपके साथ भी कुछ हो कि कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो काफी कम मतलब कम जलन हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना, आपको अपना फेस छूना नहीं है, अपने फेस पे कुछ नहीं लगाना है, आपको इंतजार करना है वो जलन कम होने का। तो मैं वही करती हूँ, मैं धीरे 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 इंतजार करती हूँ, 5 से 6 मिनट में ये प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल भी चेहरे पे हाथ मत लगाइए, कोई प्रोडक्ट ना लगाइए, कुछ ना लगाइए, बस आप उसको वेट करने दीजिए, वो अपने आप आपकी ये जो जलन है ना वो कम होने लगेगी। लेकिन अगर फिर भी ना कम हो रही हो तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ भी ट्राई ना करें, आप छोड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट में भी धीरे धीरे वो जलन कम हो जाती है, टच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल।